चलिए नेक्स्ट पेज में हम आ गए हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद में, पोर्टुगीज में लेफ्ट यानी पोर्टुगीज तो छूट गए थे, अब छूट गए विथ दीव दमन गोवा। दीव दमन गोवा से वो लोग छूट गए। फिर वाइल फ्रेंच हैड देयर ट्रेड सेंटर्स है चंद्रनगर, अब फ्रेंच ने अपना जो ट्रेड सेंटर्स है वो चंद्रनगर, माहे, कराकल एंड पौंडीचेरी को बनाया। मीन वाइल द डच हैड टू लीव फॉर एवर, अब इस तरह से डच को पूरी तरह से उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी यानी जो लड़ाई जो बैटल प्लासी में हुई थी उसका क्या रिजल्ट निकला या वो किस उपलक्ष्य में हुई थी उसके बारे में। सिराजुद्दौला वाज रूलिंग ओवर बंगाल, ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम अपोनेंट्स इन हिज स्टेट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब, बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस। Then this news reached Madras, a small army of the company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata trade center. अब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के ऊपर लीड कर रहे थे या बंगाल के ऊपर जिनका शासन चल रहा था, ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर, अब उनका जो भड़कने वाला स्वभाव था उसके कारण उनके बहुत सारे अपोनेंट्स थे यानी कि बहुत सारे विरोधी थे। During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center. अब उसी दौर में British East India ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने आजू बाजू के सभी लोगों के ऊपर अपना हक जमाना शुरू किया, सेंटर बनाया कोलकाता को। और सेंटर कोलकाता को इसलिए बनाया गया क्योंकि उसकी सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी वहाँ की काफ़ी अच्छी हुआ करती थी विदाउट टेकिंग द, लेकिन ये सब काम उन्होंने कर लिया बिना किसी के परमिशन लिए, और परमिशन उनको तब लेनी चाहिए थी नवाब की, नवाब की परमिशन के बिना उन्होंने इस सब कारोबार की शुरुआत करी। जब नवाब सिराजुद्दौला को पता चला तो उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया या तहस नहस कर दिया। व्हेन दिस न्यूज़ रीच मद्रास, जब इस न्यूज़ के बारे में मद्रास में पता चला तो स्मॉल आर्मी ऑफ द कंपनी, अब वहाँ पे कंपनी की एक छोटी सी आर्मी आई फाइट करने के लिए, लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, जिसके जो मेन हेड थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, रीच्ड बंगाल इन ऑर्डर टू हेल्प कोलकाता, वो वहाँ पे कोलकाता की मदद करने के लिए अपनी छोटी सी आर्मी के साथ पहुँचे। इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बींग स्ट्रॉन्ग, दे रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। अब वहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया तो वहाँ पर उनकी हार हो गई, और हार जाने के बाद में उन्होंने ये उनको ये पता चला कि नवाब की आर्मी को हराना इतना आसान नहीं है। सो रॉबर्ट क्लाइव रिजॉर्टेड टू ट्रेजरी, अब रॉबर्ट क्लाइव ने नई चीज़ों की शुरुआत करी कि नई नई तकनीकों का उन्होंने निर्माण किया कि किस तरह से उन्हें हराना चाहिए। कॉन्स्पिरेसी वॉज प्लान्ड इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब, अब नई नई तकनीकों का उन्होंने शामियाना किया जिसकी वजह से उनको नवाब को हराया जाए। इन विच द नवाब्स कमांडर इन चीफ मिर्जाफर एंड सेठ हमीचंद व कोक्स टू जंग, अब जिसकी वजह जिसमें नवाब को नवाब के जो कमांडर इन चीफ थे मिर्जाफर और सेठ हमीचंद को अपने साथ जोड़ने के लिए प्लान बनाया गया। ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट द नवाब इज अननेसेसरली हरेजिंग द पीपल, अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड एट द ग्राउंड नियर विलेज नेम्ड प्लासी, और इसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाया गया। लोगों को जब इस बारे में पता चला कि लोगों को परेशानी फैलाने के लिए नवाब ने ये कदम उठाए हैं, तब वहाँ गांव के कुछ लोगों ने लड़ाई की ठान ली, और यही जो छोटी सी लड़ाई छिड़ी या जंग छिड़ी थी उसी जंग को कहा गया प्लासी। अकॉर्डिंग टू द प्लान मिर्जाफर लॉस्ट द बैटल, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, अब प्लान के मुताबिक देखा गया तो मिर्जाफर जो है वो हार चुके थे और सिराजुद्दौला जो थे वो भी डिफीटेड यानी कि वो अब पूरी तरह से हार चुके थे। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रेजरी द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे, अब रॉबर्ट क्लाइव की जो नई तकनीकी थी उस तकनीकी द्वारा बैटल ऑफ प्लासी जो है वो खाली आधे दिन में ही ख़त्म हो गया था। द कंपनी एज ए रिजल्ट गॉट ए फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास, अब इसी वजह से जो कंपनी थी उसे रिजल्ट के तौर पर देखा गया तो 24 परांगंस यानी कि 24 अलग अलग परांगंस की उनको
सहमति मिल चुकी थी। मिर्जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, इसीलिए मिर्जाफर क्योंकि 24 परागंज की उनको सहमति मिली थी इसलिए वो वहाँ के नवाब बन चुके थे बंगाल के। दस द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। अब इसी तरह से कंपनी का जो रूल था उसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी जो लेट हो गई, यानी कि वो वहीं पर ही छूट गई या वो वहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी के नाम से स्थापित हो गई, जो कि 1757 की बात है। अब नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, किसने इस लड़ाई को लड़ा और किसकी जीत हुई, कौन हारा, इसके बारे में अब हम जानेंगे। बैटल ऑफ बक्सर, द ब्रिटिशर्स मेड मिर्जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर डिफरेंट प्रिटेक्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम। अब ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने मिर्जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का, तो उसमें डिफरेंट प्रिटेक्स यानी कई अलग अलग तकनीकें थी और कई अलग अलग तरीके से उसको देख दाख के बनाया गया था। ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर, सब उसकी जो लालसा थी, इच्छा थी कि उसको और ज़्यादा ताकत या उसको और ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हमला करने का अधिकार मिले, द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज्ड टू डेथ्रोन मिर्जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। अब इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वापस से डेथ्रोन यानी कि उनको गद्दी से हटाकर अब दूसरे राजा को गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया। तो मिर्जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मिर्जाफर, मीर कासिम जो थे वो मिर्जाफर से ज़्यादा उत्तेजित थे, एंड दस बिकेम हॉटरेट फॉर द कंपनी। अब इस तरह से उनके मन में कंपनी को हासिल करने की ज़्यादा उत्तेजना थी, हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव द मिर्जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब। अब मीर कासिम को वापस हटा दिया गया और मिर्जाफर को वापस नवाब बनाया गया। मीर कासिम टुक रिफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध। अब मीर कासिम ने क्या किया, कुछ रिफ्यूज यानी कुछ यात्रियों को, कुछ संगठन को अपने साथ मिला लिया और नवाब के जो अवध के नवाब थे उनके साथ वो मिल गए। ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध। उस टाइम पे मुगल एम्परर शाह आलम जो है वो अवध आए हुए थे। सो ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स एंड फाइट कंपनी यूनाइटेडली एंड दस डिक्लेयर्ड ए वार। अब इस तरह से ये तीनों ही हाथ मिला लिए, तीनों आपस में एक साथ रहने का निर्णय करके फिर इन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब ये लड़ाई, जंग लड़ेंगे, वार करेंगे। At Buxar, the East India Company fought against the United Army 22 अक्टूबर 1764। इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया था वो 22 अक्टूबर 1764 को डिक्लेयर किया, इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट। लेकिन इस लड़ाई में ये जो इनकी यूनाइटेड आर्मी थी तीनों की संगठित, वो हार चुकी थी। दस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू बंगाल बिहार एंड ओडिशा। जिसकी हार की वजह से ये हो गया था कि बंगाल में अब उनको अधिकार मिल गया था। अधिकार किस चीज़ का, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू यानी कि टैक्स लेना या पैसे लेना। और पैसे किससे किससे इनको कलेक्ट करने थे, अब बंगाल बिहार और उड़ीसा से, यानी कि जिस तरह वो हार चुके थे तब उनको उसका मुआवजा देना पड़ा। मुआवजा किसको किसको देना पड़ा, बंगाल बिहार एंड उड़ीसा को।